हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में। और आज की जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एप्पल्स इन हेवन। तो देख लीजिएगा किस तरीके से जो एप्पल होते हैं, है ना, शेव, वो कहाँ मिलते हैं, भाई हेवन में, स्वर्ग में। और इसमें जो कहानी बताई गई है, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग, हमेशा विश्वास रखिएगा ईश्वर की जो टाइमिंग होती है उस पर, क्योंकि जो कुछ भी होता है समय के अकॉर्डिंग ही होता है और समय के अनुसार ही मिलता भी है। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी वी पुट इन आवर कंप्लीट एफर्ट, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं अपने पूरे सभी हर तरीके से एंड डेडिकेशन, और पूर्ण रूप से हमारा जो डेडिकेशन भी होता है उसके प्रति लगाव भी होता है, बट स्टिल थिंग्स गेट डिलेड, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि डिले हो जाती हैं, डिले मीन्स होती है देरी, और थिंग्स गो रॉन्ग या फिर कोई चीज़ गलत हो जाती है। हैव यू एवर थॉट वाई, क्या आपने कभी इसको सुना, समझा या फिर विचार किया इस पर क्यों? इट इज़ सो बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि गॉड हैज़ प्लान्ड, क्योंकि ईश्वर ने प्लान कर रखा होता है, योजना बना रखी होती है, समथिंग डिफरेंट फॉर यू, आपके लिए कोई नया तरीका, एक नई चीज़ बना करके सोच करके रखी होती है। वी शुड एक्सेप्ट, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, हिज प्लान्स, उनकी जो योजना है उसको स्वीकार करना चाहिए, एंड बिलीव इन हिज टाइमिंग, और हमेशा भरोसा रखेगा उसकी इस टाइमिंग पर। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, वो देख लीजिएगा। वंस देयर वॉज ए लिटिल गर्ल ऑन अर्थ, एक लड़की थी, वो भी कहाँ पर, पृथ्वी पर, है ना, लिटिल गर्ल थी ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। वन फाइन डे, एक दिन बहुत सुंदर सा फाइन डे था, सी केम टू नो, कम की सेकेंड फॉर्म है केम, टू नो, जब उसको पता लगा दैट गॉड इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग, कि ईश्वर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना, ठीक है, एप्पल्स इन ह्यूमंस। तो उसको पता लगा कि ईश्वर जो है वो एप्पल्स को बांट रहे हैं ह्यूमन में, इन हिज प्लेस एट हेवन, कहाँ, स्वर्ग में, कि स्वर्ग में जो है ईश्वर एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द लिटिल गर्ल वाज सो हैप्पी, लड़की जो थी वो भी बड़ा खुश हो जाती है टू रिसीव द न्यूज़, इस न्यूज़ को पाकर के, इस समाचार को पाने के बाद, दैट सी वेंट विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, कि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाती है, बहुत ज़्यादा, है ना, उत्तेजित हो जाती है, टू हेवन टू गेट द एप्पल फ्रॉम गॉड, कि वो भी ईश्वर से एक जो है एप्पल पाएगी। देयर वॉज अ बिग क्यू, अब देखिएगा क्यू मीन्स होती है लाइन, स्टैंडिंग, बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी टू गेट द एप्पल्स, इन एप्पल्स को पाने के लिए फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। एंड दिस किड ऑल्सो ज्वाइंड दिस दैट क्यूज, तो उसने भी उस जो क्यूज थी, लाइन जो थी, उसमें ये भी जुड़ जाती है जाकर के। वाइल सी वाज स्टैंडिंग, जब वो खड़ी हुई थी, सी वाज एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी, एंड थ्रिल्ड, और बहुत ज़्यादा रोमांचित थी, टू थिंक, सोच करके, दैट सी इज़ गोइंग टू रिसीव एन एप्पल फ्रॉम गॉड्स हैंड, कि वो ईश्वर के हाथों से एक एप्पल प्राप्त करेगी। व्हेन हर टर्न केम, जैसे ही उसकी बारी आती है, द लिटिल गर्ल ओपन्ड बोथ हर हैंड्स, जैसे उसने अपने दोनों ही हाथों को खोला, हर हैंड्स टू रिसीव द एप्पल फ्रॉम गॉड, ईश्वर से जो एप्पल थे उनको पाने के लिए, गॉड जो थे उन्होंने गेव हर द एप्पल, ईश्वर ने उसको एक एप्पल दिया। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी, द टिनी हैंड्स, जो उसके छोटे छोटे हाथ जो थे, कुड नॉट होल्ड दैट बिग एप्पल, बड़े मतलब एप्पल को उसके हाथों में वो पकड़ नहीं पाई। द एप्पल, इस तरीके से जो एप्पल था, फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, एंड गॉट वेस्टेड, और ये बिल्कुल बेकार चला गया वर्थ में, इन मड, और कहाँ गिर गया, कीचड़ में ही ये चला गया, तो ये बिल्कुल बेकार हो गया। द लिटिल गर्ल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ये छोटी सी लड़की जो थी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। द मिनिस्टर नियर गॉड, जो मिनिस्टर थे गॉड के समीप में, इन्फॉर्म्ड, तो उसने सूचना दी, दैट इफ़ द लिटिल गर्ल वॉन्टेड टू हैव एन एप्पल फ्रॉम गॉड अगेन, इफ़ द गर्ल वॉन्टेड, यदि जो लड़की है छोटी सी, है ना,
वांटेड, वो चाहती है टू हैव एन एप्पल फ्रॉम गॉड अगेन, वो उनसे पुनः एक एप्पल चाहती है। सी हैज़ टू फॉलो द क्यू, फिर उसको क्या करना था, उसी लाइन में पीछे से आना पड़ेगा वंस मोर, एक बार पुनः। हैविंग वेटेड सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक वेट करने के बाद में द लिटिल गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू अर्थ एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो खाली हाथ यहाँ से लौट करके जाए। सो सी डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया टू वेट अगेन, कि वो इंतज़ार करेगी दोबारा इन द क्यू, जो लाइन है उसमें। दिस टाइम द क्यू हैड बिकम वेरी लॉन्गर, अब की बार जो लाइन जो थी और लंबी हो जाती है देन द प्रीवियस वन, जिस तरीके से पिछली बार थी उससे भी ज़्यादा। द लिटिल गर्ल कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल, उस लेडी ने देखा, लड़की ने देखा, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को रिटर्निंग बैक, जो कि वापस लौट रहे थे विद द एप्पल इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में एप्पल थे और वो वापस जा रहे थे। एंड कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर एकदम पूर्ण संतुष्टि थी। आगे बात करें तो सी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, सी मिस वह जो लड़की जो थी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बेचारी बहुत ज़्यादा निराश थी। डिसअपॉइंट हो जाना मतलब निराश होना। एंड सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, वाई मी अलोन डिड नॉट गेट द एप्पल्स, तो भला मैं अकेली ही इस एप्पल्स को क्यों नहीं पाऊंगी इन हैंड हाथों में। वेन ऑल अदर वर एबल टू गेट इट, जब अन्य सभी लेकर के जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पाऊंगी। अगेन हर टर्न कैम, दोबारा फिर उसका नंबर आया। एंड गॉड गेव द एप्पल टू द लिटिल गर्ल, उस ईश्वर ने जो है उस लड़की को पुनः जो एप्पल थे वो दिए। एंड आफ्टर गिविंग द एप्पल स्पोक टू हर, जैसे उनको उस लड़की को एप्पल दिया उसके बाद में गॉड ने कहा, क्या कहा देखिएगा, माई डियर चाइल्ड, लास्ट टाइम आफ्टर गिविंग यू द एप्पल, कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें एप्पल दिया था है ना, उस देने के बाद में आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया दैट द एप्पल आई गेव यू, जो मैंने एप्पल तुम्हें दिया था बाज आर रॉटन, वो कैसा था, एकदम सड़ा हुआ एप्पल था। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए आई मेड दैट ऑफ फॉल डाउन, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, गिरा दिया, फ्रॉम योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों से। हैविंग गिवन यू अ रॉटन एप्पल आई फेल्ट बैड फॉर यू, तो मुझे भी बड़ा ही बुरा लगा तुम्हारे लिए। एंड वॉन्टेड टू गिव यू द बेस्ट एप्पल, मैं तुम्हें सबसे इस पूरे फार्म का सबसे ज़्यादा अच्छा एप्पल तुम्हें देना चाहता था। दैट टाइम द बेस्ट एप्पल इन द फार्म वाज ग्रोइंग, और उस समय जो फार्म का बहुत अच्छा वाला जो फल जो था वो ग्रो हो रहा था। सो आई मेड यू वेट सच अ लॉन्ग टाइम, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी देर तक इंतज़ार कराया इन द क्यू, इस लाइन में। हेयर इट इज़, ये रहा तुम्हारा वही सबसे बेस्ट वाला एप्पल। इन्जॉय द बेस्ट एप्पल, और आनंद लो इस बेस्ट एप्पल का, नाउ गॉड सेड, तो ये कहना था ईश्वर का है ना, तो हेयर इट इज़, तो इस तरीके से इनको ये एप्पल मिल जाता है, एक शानदार वाला एप्पल। अब रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। When things get delayed, जब भी कोई चीज़ देरी होती है किसी चीज़ में, go wrong, अगर कोई चीज़ गलत होता है, we must believe that God has something great planned for you, us, तो ध्यान रखिएगा, तो ईश्वर ने निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और प्लान किया होगा। दैट इज़ वाई, इसीलिए दिस हैज हैपेंड, इसलिए ये घटना घटित हुई। गॉड यूजेस डिले, क्योंकि ईश्वर जो है वो थोड़ा देर हो सकती है, टू टेस्ट हाउ वी विल रेस्पॉन्ड, कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं अंडर प्रेशर। एंड गॉड टेस्ट योर लॉयल्टी, आपकी वफादारी को भी वो चेक कर सकते हैं, और आप ओविडेंस टू हिम, कि आप उनका कितना आदर करते हैं। ऑलवेज बिलीव इन गॉड्स टाइमिंग, हमेशा ईश्वर की टाइमिंग पर विश्वास रखो है ना। ही गिव्स अस वॉट वी नीड, जो कुछ भी हमें ज़रूरत पड़ती है एट द करेक्ट टाइम, एक सही समय पर। तो ये तो थी आज की स्टोरी, आई होप दैट यू एंजॉयड इट। मिलते हैं फिर अंदर स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।